पीपल नमस्ते सशिकाल सलाम वालेकुम कैसे हैं आप वेलकम टू येट अनदर वंडरफुल एपिसोड ऑफ नागपुर फूड नामा मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। सो फूड नामा के आज के इस एपिसोड में हम आपको कहाँ लेके आए हैं? वेल, स्वाद की तलाश में मैं आज चखने वाली हूँ वड़ा पाव। वैसे वड़ा पाव जो है वो मुंबई की पहचान है, लेकिन नागपुर भी कुछ कम नहीं। नागपुर में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलता। यू जस्ट नेम इट एंड यू आर गोना हैव इट। आज हम आए हैं प्रताप नगर स्क्वायर पे, पतंजलि स्टोर के जस्ट सामने एक स्टॉल है जहाँ पर मिलता है हल्क वड़ा पाव। हल्क यानी इंडिया का बिगेस्ट वड़ा पाव, एंड दे हैव सो मेनी फ्लेवर्स ऑफ वड़ा पाव। वड़ा पाव तो वैसे मुंबई कर के लिए बहुत फटाफट वाला फूड है कि चलते फिरते खाने वाला स्ट्रीट फूड है, लेकिन नागपुर में जब खाना आता है ना तो बहुत फ्यूजन्स बनते हैं, और ऐसा ही एक फ्यूजन है हल्क वड़ा पाव। अब ये हल्क वड़ा पाव है क्या, इसके अलावा ऐसी कौन सी वेराइटीज़ हैं जो यहाँ पर सर्व की जाती है, और कौन सा है वो फूड कॉर्नर, तो उसके लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको आज लेकर आई हूँ श्रीराम फूड कॉर्नर। श्रीराम फूड कॉर्नर इज इन प्रताप नगर स्क्वायर, पतंजलि स्टोर के जस्ट अपोजिट में है, एंड दे हैव सैंडविच, पिज्ज़ा, वड़ा पाव, दाबेली, मूंग पकौड़ा, ये तो है, लेकिन इसमें वेराइटीज़ जो हैं वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। इट्स समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, उसके लिए चलिए मिलते हैं उनसे। सो यस, आज हम आ चुके हैं श्रीराम वड़ा पाव सेंटर, और मेरे साथ कौन है, यहाँ के दीवान एंड ओनली पंकज। हाय पंकज। हाय मैम। पंकज, कब से शुरू किया वड़ा पाव सेंटर? मैम एक्चुअली जब फर्स्ट लॉकडाउन मीन्स जब फर्स्ट डेज आई थी कोविड की, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के फिर ये बिजनेस स्टार्ट किया मैम। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पंकज इज BBA ग्रेजुएट। पंकज, ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब हर कोई करता है, वड़ा पाव सेंटर शुरू करने के पीछे कैसे क्या सोचा? मैम एक्चुअली कैसा था ना कि मुझे बचपन से जॉब नहीं करना था। अच्छा। तो भी एक जब जिम्मेदारी आती है, फिर फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कोई बिजनेस जॉब एक्सपीरियंस के लिए फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे को मन नहीं लगता था जॉब में, तो फिर उसके बाद मेरा कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड भी कैटरिंग ही है। अच्छा, फूड से ही रिलेटेड है। और मैंने सोचा कि कुछ अपना चालू करने का, और फूड में मेरे को बहुत दिलचस्पी थी कुकिंग में, तो कुछ समथिंग डिफरेंट करने के लिए फिर मैंने चालू किया मैम। समथिंग डिफरेंट शुरू करने के लिए तुमने स्टार्ट किया वड़ा पाव, जो कि मुंबई की पहचान है। अब नागपुर में भी वड़ा पाव आ चुका है और बहुत लोग चाव से खाते हैं, लेकिन मुंबई के वड़ा पाव का ऐसा है कि भैया चलते फिरते खा लिया, उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। एक वड़ा रहता है, एक पाव रहता है, बट हमारे नागपुर में बड़ा चटनी वटनी लगा के हर चीज़ पेश की जाती है। तुम्हारे वड़ा पाव बहुत स्पेशल है और बहुत डिफरेंट, ये कैसे सोचा? एक्चुअली मैम कैसा है ना कि सेम तो सब कुछ बना, सब कोई बनाते हैं, बट क्रिएटिविटी, समथिंग न्यू, स्किल्स डेवलप करना, बिजनेस में एजुकेशन मिक्स करना और समथिंग न्यू कैसे करना, वो सब चीज़ें मैम मैंने किया। ये ट्राई एक्सपीरियंस खुद किया कि कहीं से रेसिपी सीखी? हल्क सब खुद का है मैम, कहीं से एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट बेसिस है मैम। आप देखोगे कि हमारे जैसा वड़ा पाव और किसी के पास नहीं है, तो किसी की कॉपी नहीं किया मैम हमने कभी। एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा लगा, अब लोगों को भी बहुत पसंद आता है हल्क वड़ा पाव। गाइस, बिगेस्ट वड़ा पाव, उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती है, बहुत सारी सॉसेस डलती हैं, एंड कुछ नए व्यूजन्स भी हैं। वो क्या हैं, मैं आज क्या टेस्ट करने आई हूँ वो भी बताते हैं, और कैसे बनता है वो भी बताते हैं। तो स्टे ट्यून टू नागपुर फूड नामा मेरे यानी मीनाक्षी के साथ।
सो पंकज, हल्क वड़ा पाव तो मैं खाऊंगी खाऊंगी, इसके अलावा आप क्या खिलाओगे? मैम, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज है वड़ा पाव में। जैसे कि आप देख रहे हैं मैम, हमारा ये मेन्यू कार्ड है। मेन्यू कार्ड में मैम सबसे पहले हमारा स्टार्ट है मैम प्लेन वड़ा पाव से, जो कि रेगुलर वड़ा पाव है। क्योंकि जैसे कि बहुत सारे कस्टमर रहते हैं कि जिनको पुराना यानी जो बेसिक टेस्ट है वो भी चाहिए, इसलिए उसके लिए भी है। फिर उसके बाद मैम हमारे पास पेरी पेरी हॉट एंड स्पाइसी है, तंदूरी है, चीज़ वड़ा पाव है, कॉर्न एंड चीज़ है, मैक्सिकन है, टैंगी है, थाउजेंड आइलैंड चीज़ वड़ा पाव है, उसके बाद मखनी वड़ा पाव है, चीज़ वड़ा पाव है, हल्क वड़ा पाव है, और हमारा सबसे पहला मैम सुपर हिट वड़ा पाव VIP वड़ा पाव है। VIP वड़ा पाव का फिर उसका बड़ा वर्जन है हल्क वड़ा पाव। उसके बाद मैम अभी हमने पिछले एक महीना हुआ है हमने हॉट सॉस वड़ा पाव निकाला है, हॉट सॉस जो कि बिल्कुल यूनिक है मैम, वो भी आपको बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, हॉट सॉस में मैम पिज़्ज़ा वड़ा पाव है, मखनी ग्रेवी है, चीज़ है, नेलोपिनो है, तंदूरी और शेजवान है, सब मिलता है गाइस। मेन्यू इज फैंटास्टिक, सैंडविचेस भी बहुत सारी हैं, मैगी भी है आपके पास, हॉट सॉस वड़ा पाव जिसमें पिज़्ज़ा चीज़ वड़ा पाव, मखनी ग्रेवी वड़ा पाव, चीज़ एंड जलापीनो वड़ा पाव, तंदूरी वाला पाव, शेजवान वाला वड़ा पाव एंड कौन सा वाला वड़ा पाव नहीं। दे हैव एवरीथिंग, यू जस्ट नेम इट, आके देखिए, यहाँ आओगे तब जाके ये चीज़ें सिलेक्ट कर पाओगे, तब जाके खा पाओगे। एक खाओगे तो उसके बाद सेकेंड ऑर्डर करना ही करना है। सबसे पहले क्या बना रहे हो मैम? सबसे पहले अभी हम बनाएंगे हल्क वड़ा पाव। हल्क जो यहाँ की स्पेशलिटी है, कैसे बनता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम ये हमारे वड़ा पाव के पावज हैं जो कि स्पेशली हम कंपनी से मंगाते हैं। अच्छा, हाँ, ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, हाँ, स्पेशली हमारे लिए आते हैं ये। ये ग्रीन चटनी, ये सारा इन हाउस है पंकज? हाँ मैम, पूरा इन हाउस है। ये हमारी ग्रीन चटनी, ये आगे ग्रीन चटनी, इसके बाद दो वड़े आएंगे। अच्छा, दो वड़े आएंगे, दो वड़े आएंगे, टोमेटो के स्लाइस, अनियन, अब मैम आएगा इसमें यह है तंदूरी सॉस। ओके, हाँ वाओ मैन, उसमें लगी ग्रीन चटनी, वड़ा, टोमेटोज, ऑनियंस, अब तंदूरी सॉस, उसके बाद पेरी पेरी सॉस। मैम पेरी पेरी सॉस, पेरी पेरी सॉस के बाद मैं और दो वड़ा ऐड होंगे, और दो वड़ा ऐड होंगे। इसमें हल्का सा कैबेज जो कि चीज होल्डिंग के लिए रहता है। ओके, स्प्रेड हो जाएगा क्योंकि बड़ा है ना मैम। हाँ, तो फैलना नहीं चाहिए, इसलिए होल्डिंग के लिए थोड़ा सा ये रहता है। अब इसमें आएगा 1000 एलन चीज, सॉरी 1000 एलन चीज। अच्छा, यानी यार पूरा दिल खोल के बड़ा जी मैम भरा जा रहा है, एकदम बढ़िया। हल्का सा शेजवान सॉस, शेजवान सॉस, फिर आएगा लिक्विड चीज। ओके, वाओ नाइस, दिस लुक्स सुपर क्रीमी, सुपर रिच मैन। अभी आएगा पीनट गार्लिक की चटनी, चीज, हाँ मैम एक्चुअली इसमें चीज़ तो भरपूर रहता है, बट लोगों को लगता नहीं है कि चीज़ है, इसलिए हाँ ये चीज़ डालना बहुत ज़रूरी रहता है। लिक्विड भी है और ग्रेटेड भी है। लोगों को क्या लगता है कि वो मेयो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भैया मेयो क्यों डाल रहे हो, तो मैं बोलता हूँ सर वो मेयो नहीं है, वो लिक्विड चीज़ है। अब ये होगा पैक, जो कि एक टास्क है। सच में हल्क है यार ये, मतलब कितना भरपूर है चीज़ों से, इतनी सारी सॉसेस हैं उसमें, और आप उसे ग्रिल किया जाएगा। ओ वाओ, इतना ज़्यादा हल्क है सच में।
बिगेस्ट वड़ा पाव। महंगा बटर ओके लुक्स अमेजिंग। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ गया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार पंकज, अब कोविड नॉर्मल हो चुका है, कोविड टाइम्स में तो बड़ी दिक्कतें आई होगी, कैसे हैंडल किया? मैम हैंडल मींस कि फिर बाकी पापा के काम में हैंडल करते थे क्योंकि पूरा टोटली बंद था। 3 से 4 बजे तक बिजनेस की परमिशन थी बट 3 से 4 बजे तक बिजनेस नहीं होते मैम। एक्चुअली फूड बिजनेस जो ये बिजनेस है फास्ट फूड, ये इवनिंग टाइम ही है, तो फिर वो हो गया था हैंडल। फिर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई। स्किल्स है इंसान में तो कुछ भी कर लेता है, स्किल्स है इंसान में तो कुछ भी कर सकता है। जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपको बताऊं कि पंकज ने ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब छोड़ी, फिर कोविड टाइम्स में ये सेंटर को इस्टेब्लिश किया एंड नाउ यू वोंट बिलीव वो बहुत अच्छी जगह जॉब भी कर रहे हैं। कहाँ जॉब कर रहे हो पंकज? मैम नहीं बता सकते एक्चुअली वो। ओके ओके चलेगा। तो अब वो जॉब भी करते हैं और उसके साथ साथ वो इस सेंटर को चला भी रहे हैं। मतलब जस्ट इमेजिन, पैशन होना चाहिए क्योंकि फूड का पैशन उनमें बहुत पहले से है। जॉब कंप्लीट करने के बाद अब वो यहाँ आते हैं और यहाँ का जो सेंटर है वो अपने फादर को हेल्प करते हैं। वेल इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद बनेगा मैम पिज्ज़ा चीज़ वड़ा पाव। पिज्ज़ा चीज़ वड़ा पाव यूनिक है, टोटली डिफरेंट है। हल्क वड़ा पाव जैसा मींस इसमें जो सॉसेज है लोग ऐड करके बना सकते हैं बट वो बिल्कुल यूनिक है, वो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। हाँ। और ये जो वड़ा पाव इसका प्राइस क्या है? इसका 85 रुपीज़ है मैम। यस मैम 85 में आपको भरपूर सॉसेज स्टफिंग्स फिलिंग के साथ वड़ा पाव, वो भी चार। हम नॉर्मल एक जो वड़ा पाव खाते हैं उसमें पाव में एक वड़ा होता है, इसमें चार वड़ाज हैं एंड देर आर सो मैनी सॉसेज टोमेटो उसके साथ प्याज और उसके साथ कैबेज, देयर इज लॉट मोर टू टेस्ट। ज़रूर आइएगा। पिज्ज़ा वड़ा पाव क्या है वो भी खाएंगे हम लोग, पिज्ज़ा चीज़ वड़ा पाव। ओके ग्रिल होकर रेडी हो गया अभी सर्विंग के लिए भेज दिया। इसे हम कट करके देते हैं क्योंकि उसे खाने में इजी और जब कस्टमर्स उसे उठाते हैं तो उनसे टूट नहीं पाता है, हैवी होता है काफ़ी। अप्रोक्सीमेटली मैम 600 to 700 grams के आसपास होता है वड़ा पाव, हाफ एन के जी। आप ये देख सकते हैं हाथ में लेके इसका वेट, दिस इज सच में बहुत हैवी, मतलब एक से इंसान पेट भर जाए। थोड़ा सा देसी मेस के लिए इसमें, अरे देसी तड़का लगाना तो बनता है नहीं तो हम नागपुरियन कैसे कहलाएंगे। इसमें सारी विदेशी सॉसेस भी गई, देसी चीज़ें भी गई, देसी विदेशी का फ्यूजन हल्क वड़ा पाव। अब टेस्ट करके तो बताना पड़ेगा ना कि कैसा बना है। नो डाउट बहुत अच्छा बना होगा, दिखने में तो बहुत यम दिख रहा है, तो टेस्ट करके ज़रूर बताऊंगी कि कैसा है। हल्क वड़ा पाव इज ऑल रेडी, अब टेस्ट करके देखते हैं। भाई साहब बड़ा बहुत ज़्यादा यूज है, गंदगी मचने वाली है तो प्लीज अवॉइड दैट। रेडी? ऑसम है, ऑसम। बड़ा पाव का ये वर्जन मैंने नहीं सुना था, इसीलिए ब्लॉगर्स इतनी तारीफ करते हैं, बहुत ऑसम है। मतलब वड़ा पाव में सॉसेज हैं और जो वेजिटेबल्स हैं उसका जो फ्यूजन है वो बहुत अच्छा है पंकज, बहुत अच्छा है। आई एम लविंग इट। आई एम गोना कंप्लीट दिस, उसके बाद दूसरे वड़ा पाव पे जंप ऑन करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू नागपुर फूड नामा मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। Thank you.
हल्क वड़ा पाव तो बड़ा बेहतरीन टेस्ट था उसका, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। आपने ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सादे वड़ा पाव तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये हल्क वड़ा पाव ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद नेक्स्ट इज़ पिज्ज़ा चीज़ वड़ा पाव हॉट सॉस में। हॉट सॉस में पिज्ज़ा चीज़ वड़ा पाव, नया लग रहा है, मज़ेदार होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने लिया एक पाव, उसको कट करेंगे। इसमें आएगी बेसिक ग्रीन चटनी, इसको करेंगे चॉप, छह टुकड़े। हाँ मैम, कौन से खाना पड़ता है तो मैम इजी जाता है। ये सही यार। अच्छा तुम इसे बेक वेक करने वाले हो? हाँ मैम। वाओ, मतलब दिस इज समथिंग न्यू। ओके, पाव उसमें ग्रीन चटनी, वड़ा अब उसके पीसेस कर दिए छह, उसमें जा रही है पीनट गार्लिक की चटनी। पहले हम ऑयल डालते थे बट कस्टमर प्रीफर यानी ज़्यादा ऑयली नहीं पसंद, इसलिए अभी हम बटर डालते हैं। सो बटर गया पैन में। ओके, पैन में गया बटर, उसके बाद गया अनियंस, टोमेटोज, कैप्सिकम, वाओ कॉर्न्स, पूरा पिज्जा की फिलिंग्स है ये। वाओ जस्ट लुक एट दैट। मारा गया शॉट, लुक एट दैट फायर। ओके, ये वाली सॉस, विच वन इज दिस? पिज्जा सॉस। ओके, थोड़ा सा पानी। कभी सोचा था यार वड़ा पाव भी ऐसा खाएंगे हम पिज्जा बना के? ये है मेरा इंडिया। इंडिया में आके चीज़ें सारी, सारे रिलीजन की चीज़ें हम फ्यूजन करके खाते हैं, कितना मज़ा आता है। विदेशों ने भी सोचा होगा, विदेश वालों ने सोचा होगा कि हमने ऐसा कुछ करना है वड़ा पाव के साथ, मतलब हमारी पिज्जा की फीलिंग हमने अपने देसी खाने में मिला ली। मतलब आई बेट ऑन दिस कि मोस्टली देखा गया कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो ये सारी चीज़ें नहीं पसंद करते हैं। पिज्ज़ा हो गया, बर्गर्स हो गए, नहीं पसंद आते उन्हें, मोमोज हो गए, नहीं आते हमारे पेरेंट्स को, नहीं आते। बट अगर उन्हें ये करवाना खिलवाना है ना, तो आपको उनको देसी फूड में मिला के जैसे पंकज ने किया है वैसा कुछ कर सकते हो। वड़ा पाव के साथ पिज्ज़ा बना लिया, आप आगे क्या करने वाले हैं? हाँ ओके ओके। सो अब ये जो है, जो फिलिंग बनाई है, जो स्टफिंग बनाई है, वो अब जाएगी हमारे वड़ा पाव में, राइट? तो अब ये वड़ा पाव में जा रही है। फैंटास्टिक। भाई सोच देखो, सोच पंकज की बहुत ही यूनिक सोच है और बहुत ही बेहतरीन सोच है ऐसा कुछ करके। हम बच्चों को करते थे ना। हाँ, लिक्विड चीज़ जा रही है इसके अंदर। ओके, इसमें लिक्विड चीज़ गई। और अब इसमें जा रही है चीज़, और सारी चीज़, ग्रेटेड चीज़, वाओ बढ़िया बढ़िया। सुपर डिलीशियस लग रहा है ना, मतलब ये कोई बता भी नहीं पाएगा, गैस नहीं कर पाएगा कि इसके अंदर वड़ा पाव है। आई मीन
ओरिगानो ओके जो कि पिज्जा में रहती है। ओ तेरी भाई साहब, जस्ट लुक एट दिस, दिस फ्यूजन ऑफ वड़ा पाव इज कमेंडेबल। मतलब पंकज, आई जस्ट गिव यू अ बिग हैट्स ऑफ फॉर दिस। मतलब इसको देखकर कौन कह पाएगा किसके अंदर वड़ा पाव है। मतलब ये अगर मैं लेके गई ना मेरी मम्मा के पास, जिन्हें ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, हमारी खुशी के लिए खा लेती हैं, तो वो सबसे पहले तो मना कर देगी कि यार ये सब चीज़ भी तो हमसे नहीं खा पाया जाएगा। लेकिन इसके अंदर निकलने वाला है वड़ा पाव। आई मीन आई जस्ट वॉन्ट टू डिग इन टू दिस। सुपर हॉट होने वाला है, गरम होगा अंदर, गरम होगा। हाँ मैं नहीं खा रही हूँ, मेरे को पता है, मैंने जलाना नहीं होगा, वैसे वो शॉट दे रही हूँ। एंड जिस चीज़ के लिए हम सब मरते हैं, दिस चीज़ फुल इज जस्ट, ओ भाई साहब, आई एम लविंग दिस चीज़ फुल। वड़ा पाव में ऐसा चीज़ फुल, पंकज ने कमाल कर दिया। बहुत गर्म है, जीभ जल जानी है मेरी, तो फूंक मारने दो। आई गॉट दैट वड़ा पाव वाला फील, ऑसम, बहुत सही है यार, बहुत सही है। ये सोच को 10/10, टेस्ट को 10/10 एंड हर चीज़ को 10/10। प्लीज़ आप लोग यहाँ पर आइए। कहाँ पर? प्रताप नगर स्क्वायर, पतंजलि मेगा स्टोर के जस्ट अपोजिट में यू विल फाइंड द स्टोर श्रीराम फूड सेंटर। एंड यहाँ आकर डिमांड कीजिएगा पिज्ज़ा, चीज़ वड़ा पाव एंड हल्क वड़ा पाव। उसके बाद तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जितना खाएंगे उतना कम है। मिलेंगे कहीं और, किसी गली में, किसी चौराहे में, स्वाद के सफर में, कहीं और स्वाद की तलाश में कहीं और ले चलूंगी आपको। लेकिन तब तक के लिए डू नॉट गो एनीवेयर, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आप मिस कर चुके हैं बाकी के एपिसोड्स। सो गो एंड सर्च VKB न्यूज ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, और ऐसे ही कोई स्वाद को अगर आप ढूंढ रहे हैं तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल एंकर मीनाक्षी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे किसी और सफर में, तलाश में, फूड की तलाश में। स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।